दोस्तों नमस्कार। अपना प्रॉफिट एंड लॉस के जो है वो अभी वीडियो की श्रृंखला चल रही थी, पीछे अपन ने जो है 5 वीडियो बना चुके हैं और उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो अपन कर चुके हैं। आज अपन 6ठा वीडियो बना रहे हैं और उसमें एक डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन अपन लेंगे और उसको जो है वो आज अपन कंप्लीट करेंगे। पीछे के वीडियो पे अगर आपको जाना है तो आप पीछे के वीडियो जो है वो आप अपनी जो है वो चैनल पे जाके वहाँ से आप देख सकते हो, और उसमें जो है वो अलग अलग तरीके के आपको जो है वो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका सॉल्यूशन जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और आपको बेसिक तरीका पहले अपन बात करते हैं बेसिक पे, उसके बाद क्वेश्चन जल्दी कैसे हो जाए, दोनों चीज़ों पे अपन बात कर रहे हैं। तो आज जो है वो अपन नई शुरुआत करते हैं नए क्वेश्चन के साथ, और एक क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से अपन लेते हैं कि क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अपन बात करते हैं क्वेश्चन को, मैं थोड़ा रिपीट भी कर देता हूँ, बोल के भी आपको बता देते हैं कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपये में 12 की दर से खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को 14 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो होने वाला लाभ या हानि परसेंट क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि एक दुकानदार जो है वो कुछ वस्तुओं को 15 रुपये में 12 के भाव से खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को 14 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो उसको होने वाला लाभ या हानि परसेंट क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं अपन क्वेश्चन पे। आपको बोल रखा है कि एक दुकानदार जो है वो 15 रुपये में 12 की दर पर कुछ वस्तुएं खरीदता है। देखो 15 रुपये में 12 की दर, 15 रुपये में 12 की दर का मतलब ये हो गया आपसे 15 रुपये लिए गए हैं और आपको 12 पीस जो है वो वस्तु दी गई है। तो देखें अपन बात करते हैं आर्टिकल की, अपन बात करें तो आर्टिकल कितने हैं, तो आर्टिकल आपको दे रखे हैं 12, 15 रुपये में 12 की 10 है और इसकी रेट जो दे रखी है, रेट इसकी दे रखी है 15 रुपये। कितने रुपए दे रखे हैं, 15 रुपये में। आपको बोल रखा है 15 रुपये में 12 की दर से इन्होंने खरीदा है, वस्तुएं हैं 12 और पैसे आपसे लिए गए हैं 15 रुपये, 12 वस्तुओं के 15 रुपये आपसे लिए गए हैं। आपको बोला जा रहा है कि उन सभी वस्तुओं को वह 14 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो सारी वस्तुएं हैं उनको 14 रुपये में 10 की दर से, इसका मतलब ये हुआ कि रुपये 14 आपको मिले हैं बेचने से, कितनी वस्तु बेचने से, 10 वस्तु बेचने से। आपको पहला जो है वो यहाँ पे ये बता रखा है कि आपने 12 वस्तु खरीदी हैं 15 के भाव से, मतलब आपने 12 वस्तु खरीदी हैं 15 रुपए में। आपने दूसरी बात ये दे रखी है कि आपने 10 वस्तु बेच दी कितने रुपए में, 14 रुपए में। आपको इस सौदे में लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए बात करते हैं अपन यहाँ पे, आप सीपी की बात कर रहे हो तो देखो कॉस्ट प्राइस की बात आप कर रहे हो और आप एसपी की बात कर रहे हो, तो यहाँ से अपन ये दोनों वैल्यू ले लेते हैं। आपको बोल रखा है कि 12 वस्तु आपने खरीदी है कितने रुपए में, 15 रुपए में, और 10 वस्तु आपने बेच दी कितने रुपए में, 14 रुपए में। सबसे पहले मैं इस आर्टिकल को इक्वल करता हूँ, बराबर करता हूँ। आप बताइए 12 और 10 इसको बराबर करना हो, इसका मतलब इसका क्या ले लें अपन, एलसीएम ले लें। कितना होता है 12 और 10 का एलसीएम, तो 12 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आप देखें 12 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 60 बन जाए, तो आप बोलेंगे 5 से। जब मैं इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो पूरी इक्वेशन ही 5 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये नंबर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आगे आपको जो है वो यहाँ पे ये दे रखा है कि 10 वस्तुएं आपने बेची है कितने रुपए में, 14 रुपए में। अपन ने 12 और 10 का एलसीएम लिया तो 60 आया, तो आप बताओ यहाँ पे मैं 10 का भाग दे दूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। तो बताइए ये वैल्यू जब 6 आ रही है तो यहाँ पे भी मान आपका जो है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखो सोल्व करते हैं अपन, आप 12 को 5 से गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 60 और 10 को आप 6 से गुणा करेंगे तब आपकी वैल्यू क्या आएगी, 60। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है वो यहाँ पे वस्तुएं ले ली 60 है, 60 वस्तु आपने खरीदी तो है 75 रुपये में, कितने रुपए में खरीदी है, 75 रुपये में, और बेच दी आपने 14 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 14 5 70, 14 6 कितना हो गया, 84 रुपये। अरे खरीदा है 75 रुपये में और बेच दिया आपने 84 रुपये में, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि इस पे लाभ हुआ या हानि हुई। तो आप बताइए जब आपने कोई वस्तु 75 रुपये में खरीदी और 84 रुपये में बेच दी, इसका मतलब जितने पैसे में आपने खरीदी है उससे ज़्यादा में बेच रहे हो, तो ज़्यादा में बेच रहे हो तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और कितने का प्रॉफिट होगा, तो आप बोलेंगे देखो 75 दे रखा है आपको और ये 84 दिया है,
तो कितने रुपए ज़्यादा में बेचा है, तो आप सीधा बोलेंगे 9 रुपए ज़्यादा में, 84 माइनस 75 कितना हो जाएगा 9 रुपए। और ये 9 रुपए का जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो किस पे हुआ है, 75 पे, तो आपको तो कितने पे निकालना है, 100 पे निकालना है, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं अपन, तो 100 पे निकालेंगे तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, तो देखो सोल्व करो इसको, आपकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है ये 75 25 से कैंसल आउट करोगे 3 और ये हो जाएगा 4 बार, इसको करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा 12%। तो आपका लाभ परसेंट जो यहाँ पे बना वो कितना परसेंट बन गया, 12%। तो आपको ये बात जो है वो समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी जो है वो तरीका आपका दे रखा है और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको और बोलूँ, कई बार स्टूडेंट जो है वो इस फॉर्मूले को काम में भी लेते हैं, पूरी बात समझते नहीं है, लेकिन आप देखो CP आपको दे रखा है 12 वस्तुएं कितने रुपए में, 15 रुपए में, ठीक है। SP आपको दे रखा है कि आपने 10 वस्तुएं बेच दी कितने रुपए में, 14 रुपए में, ठीक है। अब देखना बात को, यहाँ पे कई बार जो है वो स्टूडेंट भी इस तरीके से जो है वो आपको करते हैं, कई बार जो है वो आपको उस टीचर भी इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बात भी आप पहले समझ लें आराम से, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, पहली बात तो आप इसको आराम से समझें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो गया कि आप बताइए मैं इस 15 को किससे गुणा कर रहा हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 15 को मैं कर रहा हूँ 10 से मल्टीप्लाई। आप बताओ जब 15 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो सारे नंबर ही 10 से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये भी तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 12 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 14 से, तो आप बताओ जब 14 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 12 से कर रहे हैं, तो ये पूरी इक्वेशन ही 12 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये भी 12 से होगा, ये वैल्यू क्या बन गई 120, और ये मान भी क्या बन गया 120। कहने का मतलब अल्टीमेटली अगला कर यही रहा है कि इन दोनों वस्तुओं को बराबर कर रहा है, इनकी क्वांटिटी को बराबर कर रहा है। यहाँ पे इसने 120 वस्तुएं जो खरीदी हैं वो 150 रुपये में खरीदी हैं, कितने में, 150 रुपये में, क्योंकि आप 15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 ही तो आएगा ना, 150। जब वो 120 वस्तुएं 150 रुपये में वो खरीद रहा है, तो 120 वस्तुएं वो बेच कितने रुपये में रहा है, तो 14 × 12, तो 14 × 12 से करोगे तो आपका 14 × 2 = 28 और ये आपका माना जाएगा 16 168, कितने रुपए में बेच रहे हो, 168 रुपये में। तो कहने का मतलब जब आपने 150 रुपये में 120 वस्तु खरीदी हैं और 120 वस्तुएं आपने 168 रुपये में बेच दी, तो आपको लाभ कितने का हुआ, तो देखो 150 से कितने ज़्यादा में बेच रहे हो, लागत मूल्य से कितने ज़्यादा में बेच रहे हो, तो अब 18 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हो, 18 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हो, किस से 18 रुपये ज़्यादा, 150 से, तो अपने को तो 100 निकालना है, तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर दें, बताओ यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 3, और ये मान कितना आ जाएगा 2, 50 से कैंसिल आउट करो, ये मान कितना आ जाएगा 6, तो 6 × 2 कितना हो गया 12, तो आपका मान जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 12%। उम्मीद है कि ये दोनों बात जो है वो आपको समझ में आई होंगी। कई बार आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़े तो भी आप चक्कर में मत जाओ, आप सीधा सीधा केवल यही देखें अगले ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आपको आर्टिकल की वैल्यू समान किए हैं, यहाँ पे यही बात अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन ने क्या किया 12 और 10 का एलसीएम लिया, 60 लिया, 120 की जगह अपन ने क्या रख दिया 60, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया दोनों को, यहाँ पे 75 यहाँ पे 84 आया, अरे भाई 75 का डबल ही तो है 150, और मैं 84 का डबल करूं तो कितना हो गया 168। तो कहने का मतलब आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी बात वही बनेगी, और आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे तब भी आपकी बात वही बनेगी। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन को आप शॉर्ट आउट कर सकते हो, अपना आंसर जो है वो ये बन जाएगा। समझ में आ गई बात, ये क्वेश्चन था आपका। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन इसी तरीके से। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे, और ये मैं रिपीट भी कर देता हूँ क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, आपको बोला गया कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपये में 8 वस्तु की दर से खरीदता है और इन वस्तुओं को 18 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है, उसका लाभ या हानि परसेंट क्या है। देखो 15 रुपये में 8 की दर से आर्टिकल वस्तुएँ कितनी हैं, तो आप बोलेंगे वस्तुएँ की आपकी क्वांटिटी दे रखी है वो 8 दे रखी है, 8 वस्तु उसने कितने रुपए में खरीदी, 15 रुपए में, कितने रुपए में, 15 रुपए में, 8 वस्तुएं 15 रुपए में वो खरीद रहा है और
इन वस्तुओं को 18 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है। तो 18 रुपए में, देखो रेट है 18 की, ये रेट है 18 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है। 10 क्वांटिटी है वस्तुओं की और 18 रुपए में वो इनको बेच रहा है। आपको बोला गया कि इस सौदे में जो है उसको लाभ या हानि परसेंट क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो सबसे पहली बात तो अपन ऐसे करते हैं कि आपको ये बोल रखा है कि 8 वस्तुएं हैं और वो उसको 15 रुपए में खरीद रहा है, 10 वस्तुएं हैं उसको 18 रुपए में वो बेच रहा है। सबसे पहले अपन इन दोनों की वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका कहने का मतलब ये हो गया, इस नंबर को तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, इस वैल्यू को तो कर दो आप 10 से मल्टीप्लाई, इसको तो किससे करोगे 10 से, और इसको किससे कर देंगे 8 से, तो ये भी तो 10 से ही होगा और ये किससे हो जाएगा 8 से। बताओ 15 को 10 से करोगे कितना आएगा 150, और 18 को 8 से करोगे तो कितना आएगा 144। तो इन दोनों बातों को अगर अपन देखें तो अपन ये बोल सकते हैं अगर आपने जो है वो यहाँ पे 80 वस्तु 150 रुपए में खरीदी हैं तो 80 वस्तु आपने बेच दी कितने रुपए में 144 रुपए में, खरीदी 150 में है और बेची आपने 144 में है, इसका मतलब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है इसका मतलब आपको तो लॉस हुआ है भाई, आपने खरीदा तो ज़्यादा में और बेचा कम में, तो आपको तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 150 माइनस 144 कितने का लॉस हो गया 6 यूनिट का। आप बताओ 6 यूनिट का लॉस कितने पे हुआ 150 पे, अपने को तो 100 पे निकालना है, तो अगर 50 से कैंसिल आउट करोगे तो ये मान तो आएगा 3, यहाँ पे वैल्यू आएगी 2, 3 को 6 से आपकी वैल्यू 2, 2 को 2 से करोगे तो कितना परसेंट हो जाएगा 4%। तो आपका लॉस जो हो रही है, जो हानि हो रही है, वो हानि कितने परसेंट हो रही है 4%। तो कहने का मतलब आपकी हानि जो आ रही है वो कितने परसेंट आ रही है 4%। समझ में आ गई होगी बात, बहुत ईजी जो क्वेश्चन है, इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखिए आगे जो है वो अपन यहाँ पे इसी से संबंधित जो है वो क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे इस पहले वाले क्वेश्चन में जो है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के भाव दे रखे हैं, आपसे हानि परसेंट पूछा गया है। कई बार क्या करता है, हानि आपको रुपए में दे देता है, हानि आपको किस में दे देता है रुपए में दे देता है कि आपको 10% ये 100 रुपए की हानि हुई, 200 रुपए की हानि हुई, या लाभ रुपए में दे देता है, आपको बोलता है 400 रुपए का लाभ हुआ है, 500 रुपए का लाभ हुआ है, 600 रुपए का लाभ हुआ है, वस्तुओं की संख्या आपसे पूछ लेता है। तो आगे एक टाइप जो है वो क्वेश्चन का अपन करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और मोस्टली स्टूडेंट से जो है वो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आज इस कंसेप्ट को अपन बहुत ईजी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से अपन सोल्व करते हैं, और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर जो है वो दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बताऊँ। आपको बोल रखा है क्वेश्चन में कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद रहा है और इन सभी वस्तुओं को 4 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है। देखो 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद रहा है और 4 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है, यदि उसको 360 रुपए की हानि हुई हो तो वस्तुओं की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप समझ लें आराम से पहले, उसके बाद जो हो अपन बात करते हैं इस पर। आपको क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एक दुकानदार जो है वो रुपए 5 में 4 के हिसाब से वस्तुएं खरीद रहा है, तो रुपए 5 में 4 के हिसाब से वस्तुएं खरीद रहा है, इसका मतलब उसने 4 वस्तु खरीदी, कितनी क्वांटिटी खरीदी 4 वस्तु, 4 वस्तु खरीदी कितने रुपए में 5 रुपए में। तो देखिए बात को आराम से समझिए, 5 रुपए में 4 के भाव से वो वस्तु खरीद रहा है, तो आप बताइए जब 4 वस्तु खरीद रहा है और 5 रुपए में वो खरीद रहा है, इसका मतलब ये तो इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। आगे देखिए आपको बोल रखा है वह इन सभी वस्तुओं को 4 रुपए में 5 के भाव से बेचता है, 4 रुपए में 5 का भाव का मतलब ये हो गया कि रुपए तो आपको मिले हैं 4 और वस्तु आपने बेची हैं 5। तो देखो SP अगर अपन यहाँ पे बात करें तो SP ये हो गया कि वस्तु तो हो गई 5 और रुपए कितने हो गए 4 रुपए, कितने रुपए हो गए 4 रुपए। अब आपको बोला गया इस पूरे सौदे में व्यक्ति को 360 रुपए की हानि हुई है, कितने की हानि हुई है 360 रुपए की, तो रुपए 360 की इसको क्या हो गई हानि हो गई। आपको ये बोला गया कि वस्तुओं की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो वस्तुओं की संख्या आपसे पूछी गई है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक व्यक्ति
₹5 में 4 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन सभी को वो ₹4 में 5 के भाव से बेच देता है, इस पूरे सौदे में अगर व्यक्ति को ₹360 की हानि हुई हो तो वस्तुओं की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया है। समझिए बात को, अपन यहाँ पे देखते हैं। आप देखो, सबसे पहले तो अपन वस्तुओं की संख्या को अपन बराबर करते हैं। बराबर करें तो बराबर करने के लिए देखो मैंने दो तरीके बताए हैं, या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर जो अब आप इनका एलसीएम ले लो। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू तो 5 से क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई, और ये 4 से क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई। देखो 5 से 5 को करूँगा तो कितना हो जाएगा, 25, और 4 को 4 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 16। और ये बात भी आप समझ लें, इसको 4 से क्यों किया है, इसको 5 से क्यों किया है, इसको 4 से। देखो ये पूरी इक्वेशन, क्योंकि 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा, तो ये 4 20 कब बनेगा, जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई होगी। तो अपने को क्वांटिटी तो लेनी नहीं है, अपने को तो क्या लेनी है, इसकी वैल्यू लेनी है। इसलिए अपन ने क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आपकी 25 आ गई। वही सेम बात यहाँ पे, ये 5 दे रखा है, इसको 20 बनाना, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4 भी किससे होगा, 4 से, पूरी इक्वेशन ही 4 से होगी, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 16। आप एक बात बताइए, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य 25 यूनिट है तो विक्रय मूल्य इसका दे रखा है 16 यूनिट। बताइए अगर ₹25 की वस्तु आप ₹16 में बेचते हो तो आपको कितना नुकसान होता है, तो आप बोलेंगे 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16 कितने का नुकसान हो गया, 9 यूनिट का नुकसान। ये 9 यूनिट का नुकसान कब होता है, जब वस्तुओं की संख्या कितनी होती है, 20। भाई एलसीएम अपन ने 20 ही लिया ना, क्योंकि इस वैल्यू को तो किससे मल्टीप्लाई किया है, 5 से, और इसको किससे कर दिया, 4 से, तो वस्तुओं की संख्या कितनी आ गई, 20। अगर 9 यूनिट का नुकसान हो रहा है तो वस्तुओं की संख्या कितनी आ रही है, 20। ये वस्तु कितनी आ रही है, 20। अगर ₹9 का नुकसान हो रहा है तो वस्तुओं आपके पास जो आ रही हैं यहाँ पे कितनी, 20। तो आप बताइए आपको तो नुकसान कितने का है, ₹360 का। इस 9 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि वो 360 आ जाए, तो आप बोलेंगे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ये 40 से। तो भाई ये 9 40 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 40 से। तो बताइए जब 9 रुपये का आपको नुकसान होता है तो वस्तुओं की संख्या है 20, या 20 वस्तुओं का आप लेन देन करते हो तो आपको 9 रुपये का जो है वो यहाँ पे नुकसान होता है, 9 रुपये की हानि होती है। तो अगर आपको 360 की हानि हुई है तो वस्तुओं की संख्या क्या है, तो 9 को मैंने 40 से मल्टीप्लाई किया तब आपकी वैल्यू 360 आई, तो आप 20 को भी 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, 800। तो आप वस्तुओं की संख्या अगर निकालते हो तो आपके पास जो होगा यहाँ पे वस्तुओं की संख्या कितनी बन जाएगी, 800। समझ में आ गई होगी ये बात, बहुत इजी तरीका है, आप आराम से जो है वो क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में काफ़ी बार जो है आपसे पूछ लिया गया है, इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आप शॉर्ट आउट कर सकते हो। समझ में आया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन चलिए अपन और लेते हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे इस प्रकार है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, केवल और केवल जो है मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन अपने को जो है वो स्क्रीन पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को ₹5 में 8 के भाव से खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को ₹7 में 6 के भाव से बेच देता है, यदि उसको ₹780 का लाभ हुआ हो तो वस्तुओं की संख्या बताइए कि वस्तुओं की संख्या क्या है। चलो बात करते हैं ₹5 में 8 के भाव से, तो आप बताइए ₹5 में 8 के भाव से बात कर रहा है, ₹5 में 8 के भाव से, तो इसका कॉस्ट प्राइस अपन निकालें तो वस्तु तो हो गई 8 और कितने रुपये में, ₹5 में, ये रेट है इसकी, ₹5 में 8 के भाव से वो वस्तुओं को खरीद रहा है और उन सभी वस्तुओं को वो ₹7 में 6 के भाव से बेच देता है, तो ₹7 में 6 के भाव से, तो देखो रुपए तो है 7 और 6 के भाव से, इसका मतलब इसका SP कितना है, 6 है। तो आप बताइए SP यहाँ पे 7 वस्तुएं जो दे रहे, ये ₹7 में 6 वस्तु वो बेच रहा है, तो ये तो इसका SP हो गया और ये इसका क्या हो गया, CP। पूरे सौदे में उसको ₹780 का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, ₹780 का लाभ हो रहा है। तो आपको बोला गया कि वस्तुओं की संख्या बताइए कि वस्तुओं की संख्या क्या है। देखो वही बात, सबसे पहले अपन वस्तुओं की जो वैल्यू दे रखे है उसको इक्वल करते हैं। आप बताइए 8 और 6 दे रखा है, वैसे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये तो हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई, और ये भी किससे हो जाएगा, 6 से,
इसको कर दूंगा 8 से मल्टीप्लाई, तो ये भी किससे हो जाएगा 8 से। वस्तुओं की संख्या कितनी इक्वल हो गई दोनों में? आप बोलेंगे वस्तुओं की संख्या हो गई 48। भाई 8 × 6 = 48, 6 × 8 = 48। तो आपने जो है वो यहाँ पे देखो 48 वस्तु खरीदी तो है 30 में और बेच दी 56 रुपये में। कितने में बेच दी? 56 रुपये में। बताइए 30 रुपये में खरीद के 56 रुपये में आपने बेच दी, तो आपने तो ज़्यादा में बेचा है। तो ज़्यादा में बेचा है तो कितने रुपये ज़्यादा में बेचा है? तो आप बोलेंगे 26 रुपये में ज़्यादा में बेचा है। जब आपको लाभ 26 रुपये का होता है तब वस्तुओं की संख्या कितनी आ रही है? 48 आ रही है। जब लाभ आपको 26 रुपये का होता है तब वस्तुओं की संख्या कितनी आ रही है? 48 आ रही है। तो आपको ये बोला गया कि आपको लाभ तो जो दे रखा है वो 780 दे रखा है। थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ इसको। आपको लाभ दे रखा है कितना? 780 का। अगर आपको लाभ 780 का दे रखा है तो आप बताइए इस 26 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि वो 780 आ जाए? तो 26, 26 × 2 = 52, 26 × 3 = 78। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने? 30 से। तो आप बताइए इस नंबर को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 30 से। देखिए 0, ये 24, 12 और 14। तो वस्तुओं की जो संख्या आ गई वो वस्तुओं की संख्या कितनी आ गई? 1440। ये आपका मान आ गया, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से जो है वो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। चलो लास्ट में एक क्वेश्चन जो है वो आपको, आप खुद जो है उसको सोल्व करना और मैं खुद जो है वो आपको ये क्वेश्चन दे देता हूँ। और क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। अगर आपको जो है वो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप आराम से इसको सोल्व करें। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बात है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी मेथड है और आराम से क्वेश्चन सोल्व करके इसका आंसर जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करें। और अगर आपके नहीं समझ में आए तो आप जो है वो जैसे ही आप क्लास पे आते हो आप जो है मेरे से ऑनलाइन जो है वो चैट से बात कर सकते हो। मैं रिप्लाई जो है क्वेश्चन का आपको वहाँ पे दे दूंगा। धन्यवाद।